मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा एमएम वली स्थित स्टेडियम में आज कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने मनपा कर्मचारियों के साथ बैठक की और उनके कामकाज का जायजा लिया। साथ ही सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से काम करने को कहा है। मुंब्रा शहर में गटर नालों की साफ सफाई जल्द से जल्द हो, इसके अलावा सड़कों पर अवैध रूप से जो पार्किंग की गई है उसे हटाया जाए, जो भंगार गाड़ियां रोड पर पड़ी हुई हैं उन्हें भी हटाया जाए। शहर में पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त होनी चाहिए। अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही है, क्योंकि आगे रमज़ान का महीना आने वाला है, यानी मुंब्रा में किसी भी तरह से लोगों को किसी भी की चीज़ की भी समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही जितेंद्र आह्वाड ने मनपा के सभी अधिकारियों से एक हफ्ते में इन सभी समस्याओं पर जवाब मांगा है। शहर में हज हाउस जल्द ही बनेगा ऐसा जानकारी भी दी है, मगर अवैध निर्माण पर जितेंद्र आह्वाड ने कहा है कि शहर में एक भी अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए और मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर को सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर अवैध निर्माण हुआ तो निलंबित कर दिए जाएंगे। सभी मनपा कर्मचारियों को अपने अपने काम की जिम्मेदारी से निभाने को कहा गया है। अवैध निर्माण पर मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने क्या कहा है और उसके बाद महेश आहिर ने मुंब्रा में अवैध निर्माण पर क्या कहा है, आप सुनिए। 5,000 रुपये मध्ये इल्लीगल कनेक्शन देखील त्याच्यामध्ये सुख पाडायचं आणि हे मला सांगू नका तुम्ही देत नाही म्हणून माझ्या समोर मी यांना सांगितलं कंप्लेंट करा या दोघांना, यांच्या जी मध्ये जोर नाही कंप्लेंट करायची। तुम्हाला काय वाटतं मी तिथे बसतो तर मला लोक फोन करत नाही? मी मंत्री झालो म्हणजे काय मुंबईवरचं माझं दुर्लक्ष होणार नाहीये? मी तुम्हाला 15 दिवस देतो, 15 दिवसात जर झालं नाही तर मला अत्यंत कडक योजना करावी लागतील। आता मी पूर्वीसारखा काय कमिश्नर बिमिस्टरकडे काय ऐकणार नाही। मी 28 कोटी ज्या टाक्या बांधून झाल्या त्या टाक्या सडतायत रंग लावून। तुमच्याकडे पैसे आहेत, पाईप आहेत, काम शहर में यार, और क्या क्या योजनाएं हैं? कल तो उसका अनाउंसमेंट हुआ, जरा टाइम तो जाने दो, थोड़ा हो जाएगा शुरू। और कुछ योजनाएं हैं? हज हाउस बनेगा, वो उधर की वार्ड ऑफिस की बिल्डिंग बनेगी, वो 15 मंजिल की बिल्डिंग है। हम लोग और भी बहुत योजनाएं की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बोल अभी बात करके कुछ उसका मतलब नहीं निकलता है। जो हो गया वो हज हाउस तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, और वैसे तो बड़े बड़े काम, वैसे हॉस्पिटल अभी फाइनल आ गया है भाई, रास्ते का काम चालू है, पानी के लिए मैंने अभी बहुत चिल्लम पुकार की है, पानी का भी हवा बदल जाएगा सब कुछ। और बाकी कुछ नहीं, देखो अगर इल्लीगल बांध काम इसी तरह चलता रहा तो यहाँ का जो भी इंचार्ज ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया। इल्लीगल बांध काम का जो चल रहा था, क्या अब शहर में एक भी इल्लीगल बांध काम नहीं होंगे? मैंने जितने बांधकाम हुए तोड़े हैं सबके ऊपर केस किए हैं, कम से कम 35 लोगों के ऊपर MRDP किए, मेरे पास अभी चार्ट है। अगर आप आते हो ऑफिस में आधे घंटे के बाद तो तुरंत को दे दो, और मंडे से मैं सब जितने भी चालू है 2-3 वो सब भी तोड़ दूंगा। निर्माण मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर एक भी उन्होंने जैसे डायरेक्शन दिया चालू हुआ तो फिर सस्पेंड किया जाएगा। तो क्या अभी भी शहर में कुछ ऐसे हैं जगह जहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं? ना अभी तो जितने थे सब तोड़े हैं, 2-3 जो चालू, अभी मैंने तुरंत स्टाफ को ऑर्डर दिया है कि अभी जाके सर्वे करो, जो चालू है तो कार्रवाई करो, उनके ऊपर FIR भी दाखिल होगा अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर। माननीय मंत्री महोदय ने जो ऑर्डर्स दिए कार्रवाई के, तो आगे क्या रहेगा मुंब्रा शहर में? अवैध निर्माण पे रोक लगेगी पूरी तरह। बहरहाल महेश आहिर ने साफ तौर पर मंत्री जी के कहने के अनुसार शहर में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर कार्रवाई कर बिल्डरों पर गुनाह दाखिल करेंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।